पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष नवेदुर रहमान के द्वारा की गई और संचालन नजमुल इस्लाम के द्वारा किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सचिव अवधेश अग्रवाल ने बताया कि निर्यातकों की गंभीर समस्या ड्रॉबैक की थी, जिसे नई कमेटी ने हल कराने के लिए एक प्रयास किया है और सरकार को ड्रॉबैक का डाटा भी भेज दिया है। कैसे ड्रॉबैक का डाटा बनता है, कैसे उसको भेजा जाता है, हम लोग प्रोफेशनल हैं, हमने प्रोफेशनल वे में ही वो डाटा तैयार किया है ताकि हमारे निर्यातकों को उससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। पहले में और अब में एक फर्क है। 17-18 में जो हमको ड्रॉबैक मिलता था उसमें हम लोगों को एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी मिलती थी, लेकिन 18-19 में जीएसटी के आने के बाद केवल हमें कस्टम ड्यूटी के अगेंस्ट ड्रॉबैक मिलेगा। इतनी चुनौती के बाद भी हम लोगों ने, हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके ये सब डाटा तैयार किया है, जिससे हमने ये प्रयास किया है कि अगर मान लीजिए पिछले सालों में 1 रुपया मिलता था तो अब आने वाले समय में 1.75 रुपये या 1.80 रुपये हमें ड्रॉबैक मिले। इस आशा के साथ हमने ये डाटा बना के गवर्नमेंट को भेजा। अवधेश अग्रवाल का कहना है कि निर्यातक की परेशानी को हल कराने का जो बीड़ा उठाया गया है उस पर कार्य करते हुए डाटा भेजा गया है। इस अवसर पर जानकारी देते हुए कहा गया कि जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया तेजी के साथ जारी है और 30 मई तक जिन लोगों ने अपनी फाइल जमा कर दी है उन लोगों को भी रिफंड शीघ्र ही मिल जाएगा। अभी हम लोगों को 28 दिन हुए हैं चार्ज लिए हुए। 13 मई को हम लोग चुनाव जीते हैं और आज 12 जून है, तब भी हमने ये वायदा किया था कि 30 अप्रैल तक का जो जीएसटी रिफंड है वो इससे 4-5 दिन पूर्व तक मिल जाएगा। 30 अप्रैल तक का जीएसटी रिफंड जिन लोगों ने अपने पेपर फाइल कर दिए उन सब लोगों को मिल गया है और अब नई खबर यह है कि 30 मई तक के भी जिन लोगों ने पेपर फाइल कर दिए उन लोगों का भी जीएसटी रिफंड हो गया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि ट्रेड की लड़ाई लड़ने के लिए ही इस मैदान में युवाओं की टीम को लाया गया था, जिसका परिणाम है कि मात्र 28 दिन में जो कार्य किए गए हैं उनको सभी ने सराहा है। इस दौरान कहा गया कि 80% बढ़ाकर ड्रॉबैक सरकार से मांगा गया है। ड्रॉबैक की बैठक जुलाई माह में संपन्न होगी, जिसमें अपनी बात को और भी मजबूती के साथ कमेटी रखेगी। इसके लिए पूर्ण प्रयास किए हैं और संबंधित अधिकारियों को लिखा है और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि ये DGFT ऑफिस यहीं रहेगा ताकि हमारे निर्यातकों को परेशानी न हो, उनको दिल्ली न भागना पड़े, इसलिए हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। पुरानी टीम के जहाँ तक सहयोग का विषय है वो लोग मीटिंगों में ही नहीं आ पाए हैं, कुछ लोग बीमारी के कारण, कुछ लोग बाहर जाने के कारण। हमने अभी अपनी AGM में भी अनाउंस किया था कि भाई हमें सब लोगों का सहयोग चाहिए, जो आना चाहें हमारे साथ जुड़े, अपना सुझाव देना चाहें सुझाव दें, जो डॉक्यूमेंट देना चाहें डॉक्यूमेंट दें, लेकिन अभी तक हमें उनकी तरफ से इस प्रकार का कोई भी सुझाव या संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं ईरान से व्यापार को लेकर चल रही परेशानियों पर भी चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि US ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके चलते ही मुरादाबाद को मिले 500 करोड़ के ऑर्डर भी रोक दिए गए हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष नवेदुर रहमान, सचिव अवधेश अग्रवाल, नजमुल इस्लाम, रवि अरोरा, विनय मंगला, हाजी इफ्तखार अली के साथ शरद बंशल भी मौजूद रहे। जो जिन लोगों ने निर्यातकों ने ईरान माल भेजा था उनके BRC आज तक पेंडिंग है। अभी अभी करीब पिछले जो ऑर्डर हुए थे फेयर के अंदर उसमें करीब 500 करोड़ रुपए के ऑर्डर हुए थे। उसके बाद जब ये परेशानी सबको आई तो सभी लोगों ने उसका निर्यात रोक दिया, अपने ऑर्डर रोक दिए। लेकिन अभी मुझे कल एक मेरे बायर का ईमेल प्राप्त हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आप यूको बैंक में अपना अकाउंट खोलें और इंडियन करेंसी में इनवॉइस बनाएं। ये मेरे पास मेल आया है, इसके लिए हम क्लेरिफिकेशन लेंगे अपने मुरादाबाद एक्सपोर्टेशन के माध्यम से। एक्सपोर्टेशन काउंसिल को हम कल आज ही मेल डालेंगे और वहां से पहले इसको क्लियर कराएंगे। उसके बाद हमारा ईद के बाद प्रोग्राम है, हम इसके ECGC का कार्यालय में जाएंगे, वहां पर भी इसके लिए वार्ता करेंगे कि हमारा इसमें कितने % कवर होगा, अगर हम भेज सकते हैं नहीं भेज सकते हैं, ECGC कवर होगी या नहीं होगी। इसके बाद हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे, हमें क्या करना है। अगर नहीं होता है फिर भी हम जो पुरानी लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हम सरकार से फिर उसी के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे। हम एक्सपोर्ट करते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में हमें जो भी पेमेंट है वो डॉलर में या फॉरेन करेंसी में लानी जरूरी है। हम
उन देशों से रुपए में पैसा तभी ला सकते हैं जब तक हमारी कंट्री का उन लोगों से बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो, तो हम रुपए में पेमेंट ला सकते हैं। नहीं तो कोई किसी भी सूरत में हम रुपए में किसी भी देश से हम पैसा नहीं ला सकते। हमें लाना डॉलर में या यूरो में या किसी भी फॉरेन करेंसी में हम वो पैसा लेके ला सकते हैं। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।